फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 13 Pro Android मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का कैमरा काम नहीं कर रहा है, कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन का कैमरा अगर काम नहीं कर रहा है ना, तो सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में ना ये फाइल का ऐप है, ये वाला, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपका जो कैमरे का ऐप है ना, इस कैमरे के ऐप को उंगली से दबा के रखना है। आपका ये पेज आता है छोटा सा, इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा है ना, ऐप इन्फो पे टैप करना है, तो आपका ये वाला पेज आएगा। इसमें आपको नीचे स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सर्च बार में सिस्टम सिक्योरिटी आपको लिखना है। नीचे सिस्टम सिक्योरिटी का एक ऑप्शन शो हो जाता है, ये वाला, इसे सिस्टम सिक्योरिटी पे टैप करना है। अब इस वाले पेज पे आपको सिक्योरिटी अपडेट पे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार और रीसेट आपको लिखना है, ठीक है ना। तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो होगा, इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा पे टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करने हैं, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।